हमने तत्वास तत्वास सूत्र नौवा और दसवा अध्याय हमने यहाँ पर देखा है। अब हम यहाँ से पिछली क्लास से हमने पेपर टू स्टार्ट किया था। पेपर टू जिसका विषय नए चक्र गाइड जो हमारे इसमें रखी गई है, नए चक्र विषय है। पर उसके लिए हम क्योंकि पूरा नए चक्र नहीं पढ़ सकते हैं, हम उतना विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे, उतना उसके लिए समय चाहिए। तो हमारे लिए एक यहाँ पर नए चक्र गाइड नाम की एक छोटी पुस्तक रखी है। 33 पेज की ये बुक है, जिसमें नयों का स्वरूप, नये के भेद, निश्चय नये का स्वरूप, व्यवहार नये का स्वरूप, फिर निश्चय नये के भेद, व्यवहार नये के भेद और नये का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, इन विषयों को उसमें लिया गया है। जिसमें से हमने अध्यात्म के नए नए ज्ञान की आवश्यकता, दो प्रकार के नए होते हैं, एक आगम के नए और एक अध्यात्म के नए। आगम के नए कहे जाते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए को, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अध्यात्म के नए। और अध्यात्म के नए निश्चय नए और व्यवहार नए होते हैं, क्योंकि इनका संबंध आध्यात्मिक विषयों से है। अध्यात्म के नए का कहने का ही मतलब ये है कि जिनका संबंध आत्मा से हो, जो आत्मा से जोड़कर या आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हो, उन्हें अध्यात्म के नए कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये निश्चय और व्यवहार नए आए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले नए ज्ञान की आवश्यकता देखी कि नयों की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ नए काम आते हैं और नयों का मतलब क्या यूज है। तो एक यूज तो सबसे पहले कॉमन यही बताया कि जिनागम को समझने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हम बिना नयों को समझे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। शास्त्र पढ़ना तो बहुत दूर, प्रवचन नहीं सुन सकते। प्रवचन सुनते हुए या किसी की चर्चा सुनते हुए, तो वहां भी हमें नयों के उपयोग होता ही है। वक्ता के द्वारा वह नयों का प्रयोग किया ही जाता है। तो जब तक हम नए नहीं जानेंगे, तब तक हमें उसका भाव भाषण नहीं होता है। फिर बहुत सारे उसके उपयोग, उसकी मतलब नए ज्ञान की आवश्यकता बताई। फिर उसके बाद नए ज्ञान का, नए का सामान्य स्वरूप देखा। नए कहते किसे हैं, जो हमारे सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, जो प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश को, अंश को जाने उसे नए कहते हैं। ये नए जो होते हैं, ये सापेक्ष नए ही सम्यक नए होते हैं, जो निरपेक्ष है वो सम्यक नए नहीं होते हैं। और फिर इसके बाद जब बात आई, तो फिर इसके बाद शुरू करा कि नयों के दो भेद, जिसमें व्यवहार नय का प्रकरण स्टार्ट हुआ था। व्यवहार नय का क्या स्वरूप है, व्यवहार नय वो काम करता है, जितने भी उपचार के कथन हैं, जितने भी फॉर्मल बातें हैं, जितनी फॉर्मेलिटी वाले कथन हैं, अनरियलिस्टिक बात है, वो सारे कथन व्यवहार नय के खाते में जाते हैं। वो सब किसके हैं, वो सब व्यवहार नय के हैं, क्योंकि व्यवहार ने ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिलाकर एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की परिणति में कहता है, पराश्रित कथन करता है, अभूतार्थ कथन करता है, भिन्न कर्ता कर्मादिक बताता है। इस तरह से अनेक परिभाषा हमने व्यवहार ने की यहाँ पर देखी थी। आप सबको ध्यान ही होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से भी हमने बात यहाँ पर समझी थी कि दो को मिला जुला कर बात कहना, ये सब व्यवहार का काम है। देखिए, फिर इसके बाद आए थे व्यवहार ने के कार्य, भूतार्थता अभूतार्थता, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया था। अब हमने व्यवहार ने का परिभाषा, कार्य और कथन, ये तीन चीज देखी थी। भूतार्थता अभूतार्थता से आज हमें पढ़ना है। भूतार्थता अभूतार्थता क्या होती है, व्यवहार ने के कार्य दो कार्य कहे थे, आप ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि एक तो एक अभेद वस्तु में भेद करना, एक अखंड वस्तु को भेद करना, दूसरा एक दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद करके कहना, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक कहना। ये दो कार्य व्यवहार ने के है। मतलब एक तरफ तो व्यवहार ने जोड़ने का काम कर रहा है और एक तरफ व्यवहार ने तोड़ने का काम कर रहा है। अब कैसे समझ में आए कि जोड़ने का तोड़ने का, कि देखो
अगर हम कहते हैं कि भाई ये पड़ोसी का घर है या ये बगल वाला जो घर है ये भी अपना ही है, ये हमारे ही हैं, ये हमारे ही हैं, ऐसा अगर हम कहते हैं तो ये हुआ जोड़ना। पर यहाँ दो अलग-अलग वस्तुओं को, दो अलग-अलग उनको एक कहा जा रहा है, तो यद्यपि जोड़ने का काम हो रहा है पर ये यथार्थता नहीं है, ये व्यवहार है, उपचार से कहते हैं। दूसरा, हम एक ही अगर वस्तु में बात करें, एक वस्तु में उसके अलग अलग धर्मों को, उसके अलग अलग गुणों को, उसके अलग अलग शक्तियों को, पर्यायों को यदि तोड़ कर कहता है, उनमें भेद करता है, तो ये तोड़ने का काम भी व्यवहार का है। ये काम, ये व्यवहार का होने से यहाँ इसको व्यवहार के खाते में डाल दिया कि दो कार्य हो गए, एक जोड़ने का और एक तोड़ने का। समझ में आ रही है बात? मतलब आप, अब हम जब निश्चय न्याय को पढ़ेंगे तो हम उसको आगे देखेंगे, पर पहले आप पेज नंबर 6 निकाल लीजिए, भूतार्थता अभूतार्थता। यहाँ से हमें यहाँ देखना है, भूतार्थता का अर्थ होता है कि जो बात वास्तविक है, वास्तविक है, यथार्थ है, वो भूतार्थ कहलाता है। और अभूतार्थ का अर्थ होता है जो वास्तविक नहीं है, जो है ही नहीं है, जो असली नहीं है, उसको कहा जा रहा है, ये हो गया अभूतार्थ। तो अब देखिए, व्यवहार ने भूतार्थ है या अभूतार्थ है, बताइए। सर अभूतार्थ है। व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो अब यहाँ वो ही बता रहे हैं जैसे भूतार्थ भी है। अजय जी, नहीं, वो सहचारी होने के कारण है, निश्चय ने पूर्वक ही व्यवहार में होता है। नहीं, व्यवहार ने किसी कारण से अभूतार्थ, भूतार्थ भी है क्या? कथनचित हाँ, भूतार्थ है, स्वरूप समझने कथनचित। के लिए भूतार्थ है, लेकिन उसको हाँ पकड़ के रखना नहीं, उसको बाद में छोड़ना है। जब वस्तु का ज्ञान होता है तो उसको छोड़ना है। बिल्कुल। अब देखिए, जो भूतार्थ अभूतार्थ वाली हेडिंग आ रही है, इसमें ये बताया जाएगा कि व्यवहार ने प्रयोजनवान है या अप्रयोजनवान। आप व्यवहार ने को इतना कह रहे हो, व्यवहार ने मिलावट करता है, तोड़ता है, ये करता है, तो कुछ काम का है कि नहीं व्यवहार उसका कुछ प्रयोजन है या नहीं? और यदि अप्रयोजनवान है तो जिनवानी में लिखा क्यों? व्यवहार ने का भी इतना उपदेश दिया, व्यवहार ने का इतना स्वरूप समझाया, यदि व्यवहार ने कार्यकारी नहीं है, सर्वथा अभूतार्थ है, तो जिनवाणी में उसका कथन क्यों किया? तो इस तरह का भी प्रकरण आएगा। चलिए हम रीडिंग करवाएंगे, आप पढ़ना यहाँ से शुरू कर सकते हैं, किस किस के पास ये बुक्स है यहाँ पर। और बुक्स नहीं हो तो पीडीएफ तो होगी ही। चलिए यहाँ से हम रीडिंग करते हैं। अमिता जी, आप पढ़िए। भूतार्थता अभूतार्थता, व्यवहार न्याय के कथन प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन है, पराश्रित कथन है, अतः कथनचित भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। सर्वदा अभूतार्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्याय के विषय भूत भेद और संयोगों का अस्तित्व है, अतः विषय की दृष्टि से व्यवहार न्याय कथनचित भूतार्थ है, किंतु भेद और संयोगों के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होने के कारण व्यवहार न्याय कथनचित अभूतार्थ है, अथवा व्यवहार न्याय के विषय की सत्ता का अभाव नहीं है, अतः व्यवहार न्याय कथनचित भूतार्थ है और निश्चय के समान उपादेय नहीं है, अतः कथनचित अभूतार्थ है, अथवा व्यवहार न्याय किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, अतः कथनचित भूतार्थ है, और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, अतः कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यहाँ गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया है, असत्य के अर्थ में नहीं, क्योंकि व्यवहार ने भेद रूप कथन करता है और भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती, इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है।
जैसे शास्त्रों में पर्याय को असत्यार्थ कहा है, यहाँ पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं, किंतु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कह के वहां से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है, अबूतार्थ कहा है। हाँ देखिए, अबूतार्थ अभी इतना ही। तो ये बहुत बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, भूतार्थ और अभूतार्थ। देखिए, अगर हम भूतार्थ शब्द का अर्थ देखेंगे ना, तो भूतार्थ शब्द का अर्थ होता है जो है, होना, जो है उसको कहेंगे भूतार्थ, और जो नहीं है उसको कहेंगे अभूत, अभूतार्थ। पर ऐसा शब्दार्थ यहाँ पर नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये कहा हमने कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये कौन से न्याय का कथन है? व्यवहार न्याय का, ये व्यवहार न्याय का कथन है। तो व्यवहार न्याय यदि अभूतार्थ है, तो व्यवहार न्याय के कथन जो किए जा रहे हैं, जितने भी हम व्यवहार के प्रयोग करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? शरीर की सत्ता है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि शरीर है नहीं और हम कह रहे हैं शरीर है। मतलब शरीर भी है, मैं कहता हूँ मेरा मकान है, मेरा ये है, मेरा मोबाइल है, ये सब कहते हैं, तो इन सब की सत्ता तो है, इनकी एग्जिस्टेंस है। पर सत्ता होने पर भी यहाँ उस व्यवहार ने को अभूतार्थ क्यों कहते हैं? तो देखो, यहाँ पर दोनों चीज बता दी कि क्योंकि व्यवहार ने का विषय एग्जिस्ट करता है, उसका विषय काल्पनिक नहीं है, उसका विषय कोई अभाव रूप नहीं है, है विषय। तो विषय के होने की अपेक्षा से व्यवहार ने भूतार्थ, बस अभूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि वो विषय यथार्थ नहीं है, या फिर हम कहें वो विषय आत्मा के अनुभव में कार्यकारी नहीं है। मैं शरीर हूं, ये बात, शरीर है, शरीर ऐसा है, काला है, गोरा है, ये सब व्यवहार ने के विषय। मेरा घर है, ये मेरा मित्र है, मेरे परिवार है, ये सब है। पर ये जानना इसीलिए, क्योंकि इनकी सत्ता है, इसीलिए इनको भूतार्थ कहा जाएगा, इस अपेक्षा से। पर इस विषय को आप सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, इसका अनुभव करते रहोगे, तो आत्मानुभव नहीं होगा। आत्मानुभव होने के लिए आपको यथार्थ समझना होगा। आत्मानुभव करने के लिए हमें वास्तविकता समझनी होगी, आत्मा का अनुभव करना होगा, निर्विकल्प आत्मा को जानना होगा। इसलिए कि व्यवहार न्याय के विषय से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा गया है। समझ आई है ये बात मुझे? देखो, अब मैं और भी चीजों पे आपको लगा के दिखा देता हूं कि जैसे मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग कितने होते हैं? मोक्ष मार्ग कितने हैं कि मोक्ष मार्ग बताइए कोई? एक ही है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक है, हमने तो दो सुने हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये देखो, बिल्कुल सही है, एक ही मोक्ष मार्ग है, उसको कथन करने के दो पद्धति है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या आता है कि आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में रमणता, आत्मा का श्रद्धान, इसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या आता है? पूजन, पाठ, दान, तप, व्रत, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, और आप कह रहे हो व्यवहार अभूतार्थ है, तो अभूतार्थ है तो क्या ये चीज है नहीं क्या? ये होते नहीं क्या? कि नहीं होते हैं, होने पर भी ये क्योंकि है, इसीलिए इसको हम इस अपेक्षा से व्यवहार ने को भूतार्थ कहेंगे। पर क्योंकि इनको करते करते आपको मुक्ति मिल जाएगी क्या? दान देते देते मुक्ति मिल जाएगी क्या? पूजन करते करते मुक्ति मिल जाएगी क्या? कि नहीं मिलेगी? मतलब इनको करते करते यथार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, इनको करते करते निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ है कि निश्चय जैसा नहीं है, निश्चय के समान उपाधि नहीं है, ये लाइन आई थी इसमें, इसीलिए उसको अभूतार्थ कहते हैं। मतलब दोनों बातें हो गई, भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी। तो इसको हम अच्छी भाषा में कहेंगे, कथनचित तो भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ। हमें दोनों विवक्षा पता होनी चाहिए कि व्यवहार ने का विषय असत्य नहीं है। देखो, अगर व्यवहार ने असत्य होता,
व्यवहार ने अभूतार्थ है पर असत्य नहीं है, झूठ नहीं है वो। अगर आप लोक व्यवहार में ये कहते हो कि ये देश मेरा है, या जिस भी आप स्टेट में रहते हो, गुजरात मेरा है, महाराष्ट्र मेरा है, यदि आप ऐसा कहते हो तो आपको झूठ का पाप लगता है क्या? आप झूठ बोल रहे हो क्या? ये कोई कहेगा ये झूठ है, आप मानते हो क्या कि ये झूठ है? चलो उतना छोड़ो, आप अगर ये भी कहते हो कि ये मेरा घर है, ये झूठ है क्या? देखो बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इसको झूठ नहीं मानते हो, ना कोई मानता है, तो इसका मतलब व्यवहार न्याय का विषय झूठा नहीं है, व्यवहार न्याय का विषय अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन, जिसके आश्रय से आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं होती है, बस इसीलिए उसे अभूतार्थ, झूठ नहीं मानना। इसके लिए देखो, आपको अगर इस बात पे और अगर पक्का करना है तो आप देखो, प्रथमान योग में भी तो व्यवहार ने के कथन भरे हैं। जैसे ये लिखा है कि ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, ऋषभ देव की दो पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। ये व्यवहार ने का कथन है, ये निश्चय ने का, व्यवहार ने का है। अगर ये व्यवहार ने का कथन झूठ होता तो क्या जिनवाणी में झूठ लिखा होता? अब सोचो, जरा विचार करो, अगर ये व्यवहार ने का कथन झूठ मान ले हम, उसको सर्वथा सत्यार्थ या सर्वथा अभूतार्थ मान लिया जाए, झूठा मान लिया जाए, तो सारा प्रथमा नियोग ही मिथ्या झूठा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसमें यही बता रहे हैं ये उनके भाई थे, ये उनके पुत्र थे, ये उनका महल था, ये उनके माता पिता थे, इनकी इतनी काया थी, उनका इतना राज्य था, यही तो बताया जा रहा है पूरे प्रथमा नियोग में। तो झूठ है क्या सब? नहीं, झूठ नहीं है, केवली भगवान के ज्ञान में आया है और बिल्कुल वैसा ही था तभी वैसा बताया गया। आप समझ रहे, झूठ में और अभूतार्थ में क्या डिफरेंस कि झूठ होता तो इन सब कथनों को पढ़ते हुए लिखते हुए सब झूठ का पाप लगता, जिन आचार्यों ने लिखा है उनको झूठ का पाप लगना चाहिए था, और हम पढ़ रहे हैं तो हमें झूठ लगना चाहिए, पर ये बात बिल्कुल झूठ नहीं। व्यवहार होते हुए भी उसको ये कहा जाता है कि बिल्कुल 100% ये बात प्रामाणिक है, केवली भगवान के ज्ञान में आई है, उन्होंने देखा है, होता ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब झूठ नहीं है, परंतु वह निश्चय के समान उपादे नहीं, जिसको हम कहेंगे कि वो यथार्थ नहीं है, जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब वो यही देखते रहेंगे कि मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, इतने पुत्र है, इतना राज्य है, तो इसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा गया। समझ आई है ये बात? किसी को इसमें डाउट हो? आप सब जो बाकी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। चले आगे, जैसे अब ये बात एक एग्जाम्पल और दिया, पर्यायों की बात करी कि पर्यायों को शास्त्रों में व्यवहार के कथन में लिया है कि पर्याय अभूतार्थ है, तो क्या पर्याय है नहीं क्या? अगर अभूतार्थ का मतलब होता नहीं होना तो पर्याय नहीं है क्या? पर्याय तो है, पर्याय के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पर्याय भी है, परंतु पर्यायों की दृष्टि करके द्रव्य दृष्टि नहीं मिली, द्रव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए पर्यायों को असत्यार्थ अभूतार्थ कहा गया है, पर्याय नहीं है इसलिए नहीं कहा। समझ आ रही है बात आपको? चलें आगे। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर व्यवहार ने अभूतार्थ है तो आप उसका प्रतिपादन क्यों करते हो? मत बताओ ना, उसको कहते ही क्यों? उसका प्रतिपादन जिनवाणी में क्यों किया है, शास्त्रों में उसका वर्णन क्यों किया है, इतना व्यवहार ने को मतलब क्यों किया है? अगर आप व्यवहार ने को बताते ही नहीं तो हम कंफ्यूज ही नहीं होते, आप सिर्फ निश्चय का बताते, हम निश्चय समझ लेते, तो व्यवहार ने का प्रतिपादन क्यों किया जाता है? पढ़िए आगे अमिता जी।
अभूतार्थ व्यवहार न्याय का प्रतिपादन क्यों अथवा व्यवहार न्याय भूतार्थ क्यों? यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि व्यवहार न्याय असत्यार्थ है अभूतार्थ है तो जिनवाणी में उसका प्रतिपादन क्यों किया गया है? अनेकांत मत वस्तु का विचार और विवाद का परिहार एक ही न्याय से नहीं होता, इसलिए वस्तु विचार के समय और किसी विषय में विवाद या संदेह होने पर जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवर्तता है वही प्रमाण माना गया है, अतः व्यवहार का प्रतिपादन आवश्यक है। दूसरे तीर्थ की स्थापना के लिए भी व्यवहार न्याय आवश्यक है, क्योंकि निश्चय न्याय अनिर्वचनीय है और उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार न्याय प्रधान होता है। तीसरे, व्यवहार के बिना प्रारंभिक भूमिका में निश्चय समझा नहीं जा सकता और उसका प्रतिपादन भी संभव नहीं है। जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश अशक्य है। अतः निश्चय का प्रतिपादक होने के कारण अभूतार्थ व्यवहार न्याय का प्रतिपादन किया गया है। उक्त तीनों कारणों से ही व्यवहार न्याय को कथनचित भूतार्थ कहा गया है। सर आप पढ़ूं पढ़िए। आगे? हाँ, ये पेज पूरा पढ़िए। निश्चय न्याय का प्रतिपादक व्यवहार न्याय अभूतार्थ क्यों? व्यवहार न्याय साक्षात प्रयोजन भूत ना होने से अभूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार न्याय के विषय भूत संयोग व संयोगी भावों के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, अतः उसके द्वारा मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से यह न्याय अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत होने से यह न्याय कथनचित अभूतार्थ है। अभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय न्याय भूतार्थ क्यों? निश्चय न्याय के विषय भूत शुद्ध आत्मा के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अतः साक्षात प्रयोजन भूत होने से निश्चय न्याय भूतार्थ है। हाँ, देखिए, अब ये बात आई है कि अभूतार्थ व्यवहार का प्रतिपादन क्यों, जब व्यवहार ने अभूतार्थ ही है। ठीक है, मान लिया असत्य नहीं है, पर इतना तो आप भी कह रहे हो कि इसका मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। जब व्यवहार ने ऐसा अभूतार्थ है तो फिर इसका प्रतिपादन क्यों किया गया है, इसको बताते ही क्यों हो, मत बताइए। तो यहाँ पर अब चर्चा ये कही है कि इस व्यवहार ने का प्रतिपादन इसलिए किया है क्योंकि व्यवहार ने के बिना निश्चय ने का प्रतिपादन नहीं हो सकता। अगर आपको निश्चय को जानना है, अगर आपको निश्चय तक पहुंचना है, तो बिना व्यवहार ने के नहीं पहुंच सकते। मतलब बिना व्यवहार ने के जाने, बिना व्यवहार ने के आश्रय लिए हम निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए व्यवहार ने का प्रतिपादन भी जरूरी हो गया क्योंकि हमें निश्चय तक जाना है और व्यवहार ने का आश्रय लेते हुए जाना है। जैसे देखो, आपने देखा होगा कि साइन बोर्ड्स होते हैं रोड पर, जैसे हमें किसी जगह जाना है, आपको मान लीजिए किसी दिशा में जाना है, कहीं दूर जाना है, तो बोर्ड लगा है। अब यहाँ पर लिखा है कि भाई जैसे हमें मुंबई जाना है, तो मुंबई का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब जहां बोर्ड लगा है वहां मुंबई है क्या? वहां मुंबई है क्या? कोई कहेगा नहीं, बोर्ड तो यहाँ पर लिखा है मुंबई। कि नहीं, वो बोर्ड क्या बताता है, वो साइन बोर्ड क्या बताता है कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है? मुंबई के लिए यहाँ से जाना है, ये रास्ते। तो वो बोर्ड, अब कोई कहे कि जब बोर्ड यहाँ मुंबई नहीं है तो बोर्ड लगाती क्यों हो? कि नहीं, बोर्ड उसके पहुंचाने के लिए कार्यकारी है, वहां तक पहुंचाने के लिए सहायक है, तो उसका काम कर रहा है वो बोर्ड, वो सहायक हो गया। मतलब यहाँ ऐसा ही व्यवहार ने है, व्यवहार ने सहायक है निश्चय को बताने। एग्जाम्पल दिया मलेच्छ का, मलेच्छ तो हम नहीं जानते हैं, मलेच्छ के बदले हम यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरे देश का व्यक्ति हो, दूसरी भाषा का व्यक्ति हो, और दूसरे देश का दूसरी भाषा का व्यक्ति होता है तो उसको जब आप बताओगे, उससे जब बात करोगे, तो कौन सी भाषा में करोगे?
कौन सी भाषा में करी जाएगी भाई? ट्रांसलेटर की बात नहीं है यहाँ पर यहाँ तो वो बात है कि भाई अगर उस व्यक्ति को समझाना है तो आप उसकी भाषा में समझाओगे। आज जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि भाई आप एकदम बोलोगे और उधर ट्रांसलेट होता चला जाएगा कि नहीं, पर फिर भी अगर आपको समझाना है तो उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, चाहे ट्रांसलेट करो या ना करो, चाहे कोई और करे या उसकी भाषा में ही बोले। तो हमें उसकी भाषा में समझाने के लिए वो भाषा सीखनी पड़ रही है, पर हमें वो भाषा क्यों सीखनी पड़ी? सिर्फ उसको समझाने। हमें वैसा बनना है क्या कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है पर मलेच्छ बना नहीं जाता है? जैसे बच्चों को होता है, बच्चों को जब हम समझाते हैं तो कुछ आपने देखा होगा, बच्चे को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है, बच्चा बन के समझाया जाता है। तो कोई व्यक्ति जैसे जब बच्चों को उसकी भाषा में उनके तरीके से समझाता है तो क्या वो बच्चा हो जाता है क्या? कि नहीं, वो उसे समझाने के लिए वैसी भाषा बोल रहा है, वो बच्चा नहीं बनता है। ऐसे ही व्यवहार ने का प्रयोजन है निश्चय को समझाना, निश्चय तक पहुंचाना, निश्चय तक ले जाना, ये व्यवहार ने का यूज है, व्यवहार ने का प्रयोजन। पर व्यवहार ने इतना ही प्रयोजनमान है ये समझ, जब हम पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस व्यवहारने को छोड़ देंगे। अब आगे ये बात आने वाली है, अभी तो इतना बताया है उस व्यवहारने को बताए बिना निश्चयने को बताना असंभव है। देखो एक एग्जाम्पल जो टोडरमल जी ने मोशनल प्रकाशक में लिया है, हमें आपको कहा जाए कि भाई आत्मा समझाइए, मुझे आप आत्मा समझाइए, जीव के बारे में बताइए, जीव समझाइए होता क्या है, आत्मा होता क्या है, क्या बोलेंगे आप, कैसे समझाएंगे? 14 मार्गणा से समझाएंगे, भाई आप चार 14 मार्गणा गति से समझा संज्ञा, सकते हो, चार गति आप संज्ञा योग सब समझाएंगे। चार गतियों से समझा सकते हो कि जो मनुष्य में हो, देव में हो, त्रियंच में हो, नारकी में हो, वो जीव होता है। कोई अब दूसरे तरीके से समझा सकता है, कोई कहेगा जो गुण स्थानों में होता है वो जीव होता है, कोई कहेगा जो संसार में होता है कर्म सहित होता है वो जीव होता है, कोई कहेगा जो चलता फिरता बोलता है खाता पीता है वो जीव होता है, कोई कहेगा कि जो जानता देखता है वो जीव होगा। अब सारे कथन सही है कि नहीं, पर सारे ही कथन व्यवहार ने के हैं, क्योंकि निश्चय ने तो ये कहता है कि आत्मा को शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। अमन जी, लेकिन निश्चय यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अगर व्यवहार नए से बता रहे हैं तो निषेध करने का क्या फायदा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इम्पोर्टेंस व्यवहार नए के बिना आगे चलना तो होगा ही नहीं। व्यवहार नए के बिना अगर आप तीर्थंकर जन्म में नहीं लेंगे तो आप उसको ऐसे गिनोगे ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आगे इसको आगे निषेध क्यों करें? बताएंगे, आगे बताएंगे इसका निषेध क्यों करें। आप इसी एग्जांपल पे अगर अभी सोच लीजिए, जैसे हम किसी को जीव समझा रहे हैं, उसको आत्मा की पहचान करनी है, और हमने उसको कहा कि जो ऐसे ऐसे खाता है पीता है चलता है फिरता है बोलता है वो जीव है, ये बात कही, तो ये बात हमने समझाने के लिए कही है, तब तक तो ठीक है, पर जब समझ में आ जाए ये, जब आगे की स्टेप की बात करेंगे, तो यदि कोई इसी को जीव मान ले तो आप सोचिए दिक्कत आएगी कि नहीं। यदि कोई यही मान ले कि खाने पीने वाला ही जीव है और यही जीव का स्वरूप होता है, बोलना चलना फिरना यही जीव का स्वरूप है, तो दिक्कत आएगी कि नहीं? करेक्ट, लेकिन वो तो आगे जाके फिर उसको ये भी बताएंगे कि चैतन्य उसका सही स्वरूप हाँ है, तो वही उसका ज्ञान है, लेकिन उसी समय तब सिर्फ निषेध नहीं करेंगे, उसको गौण करेंगे नहीं, और वही व्यवहार नए को साइड पे हलाक तो करना ही पड़ेगा। मेरे को ये नहीं समझ आगे में, आगे जाके जब आपने दूसरी बात बताई तो राइट, पिछली बात का ऑटोमेटिक निषेध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं किया उसको गौण किया उसको, नहीं तो फिर आप बोलोगे कैसे कि अरे तुम ये पर्याय में तो हो, वो कहाँ चला थोड़ी गया वो पर्याय में से। अब यहाँ पे जो गौण है वो ही निषेध है, अब आप ये समझ, ये आगे बताएंगे, जो गौण किया है वो ही निषेध है कि भाई वो ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा सर्वथा ही मान ले तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि बोलने वाला चलने वाला ऐसा ही हम जीव मान लेंगे तो सिद्ध परमेश जी तो नहीं बोल रहे हैं, मुनिराज नहीं चल रहे हैं, ये जो आत्म ध्यान में लीन है वे नहीं खा रहे हैं, तो फिर वो जीव का स्वरूप नहीं होगा। इसलिए हम वहां पे जब जिसको प्रारंभिक जो स्टार्टिंग की भूमिका में स्टेज में समझाया जा रहा है तो हम इन इन चीजों से समझाएंगे, पर जब वो आगे बढ़ते हैं या अगली भूमिका की बात आती है
जब उससे समझ में आ जाता है, जब उसका अनुभव करना होता है। इसलिए तो ये बात कही कि व्यवहार ने को निश्चय ने को जानने के लिए तो कार्यकारी है, पर उस व्यवहार ने के आशय से मुक्ति नहीं होती, और मुक्ति ही हमारा प्रयोजन है। इस अपेक्षा से हमने उस व्यवहार ने को भूतार्थ कह दिया। जैसे बताया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, इसका ही चिंतन करते रहेंगे तो निर्विकल्प होगा ही नहीं। वो हाँ, टाइम ये होता है कि टोडरम आत्मा अभेद है, उसका एक आप ये कीजिए। टोडरमल जी ने हाँ यही जी, एग्जाम्पल लेकिन बताया अगर आप है। बाहर से किसी को देखेंगे नहीं, अगर आप इसका मतलब ये नहीं कि पंचम गुण उसका वाला है तो बाहर से किसी को देखेगा तो ये आदमी है, ये पुरुष है, ये योग वाला है, ये गति है, इसको ये कर्म है, वो नहीं देखेगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो देखेगा नहीं, ही, उसको देखेगा। जोड़ेगा अब ये समझिए, देखने का नाम मैं नहीं है, राइट। मानने और कहने का नाम है। दोनों साइड से देखेगा वो राइट, उसे ज्ञानी दोनों का भी इसका ज्ञान ही होगा। वही, यही इसी यही इसलिए वो ज्ञानी है। ज्ञानी भी उसे मनुष्य ही देखेगा, पर मानेगा नहीं, मानेगा आत्मा। क्यों नहीं माना उसने आत्मा? क्योंकि श्रद्धा निश्चय का है और व्यवहार नहीं, क्योंकि तद समय के लिए प्रयोजनमान है, इसलिए उसको उतना ही कार्यकारी है। कि जब हमें जीव की पहचान, देखो जब हम, देखो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि जैसे हमें किसी चीज के बारे में समझना, आपको एक नया डिवाइस आया, नया वो आया, तो आप उसके बारे में समझने के लिए बहुत चीजें पढ़ते हो, बहुत सारी उसके साथ जो वो गाइड आते हैं उसे देखोगे, पढ़ोगे, पर जब उसको यूज करना है अब क्या करोगे? जब आप पूरा समझ गए तब क्या करोगे? अब वो गाइड लेके चलाते रहोगे क्या उसको? कि नहीं, अब हम क्या करेंगे? लेकिन जब चलाना होगा तब कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाके चलाएंगे, लेकिन उसको पीछे से कैसे चलाना है वो भूल नहीं जाएंगे, उसको कैसे चलाना है वो तो कंटिन्यू चालू ही रहेगा। और उसी तरह तभी भी तो यहाँ कोई कह रहे आत्मा का हैं। चिंतन करेगा, जब वो सुख से शुद्ध से शुभ में आएगा, वो फिर से वो व्यवहार से तो सबको वही पहचानेगा, वो क्या अलग थोड़ी पहचानेगा। पर क्योंकि व्यवहार ने सिर्फ कहने और समझने के लिए कार्य, अब अगर समझने समझाने का प्रयोजन नहीं है और समझ में आ गया है, अब उसको क्या कार्य करें? अब वो किसके, अब वो व्यवहार ने में क्यों अपना समय लगाएगा? अब वो व्यवहार, उस समय आने के लिए वो 10वां गुण स्थानक तक आएगा, तब जाके वो करेगा, तब तक के लिए क्या करेगा। बिल्कुल, देखो ये बात इतना है आप समझिए कि व्यवहार के उपयोग जहां जहां होगा, लोक व्यवहार होगा या अन्य व्यवहार की क्रियाएं होगी, तो वहां तो व्यवहार का प्रयोग होगा ही ना, वहां निषेध नहीं है। तो पर जब व्यवहार ने से निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा समझ में आ जाएगा, या चतुर्थ गुण स्थान से ही ये चीज प्रारंभ हो जाती है, एक देश रूप में वहीं से वो व्यवहार ने का निषेध कर लेता है, श्रद्धान में करता है, उस श्रद्धान में ही समझना चाहिए। श्रद्धान में उसे समझ में आ जाता है कि इसका कितना वेटेज है, इसका कितना महत्व है, इसको कितना समझना है, इसको कितना ग्रहण करना है, ये और बैलेंस दूसरी होता बात है ये भी आ ज्ञानी। गई यहाँ पे, और एक बात होगी कि अगर व्यवहार ने से निषेध करने लगे तो तीर्थंकर अरिहंत सभी भगवान सभी मुनि महाराज पंच परमेश्वरी सबको निषेध करना पड़ेगा। नहीं, उस व्यवहार ने किसी आत्मा से व्यक्ति, देखने जाएंगे तो बाकी सभी निषेध करने की बात करोगे आप तो। देखिए आप ये समझिए कि पहली बात तो व्यवहार ने किसी क्रिया, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम नहीं है। उनका नाम व्यवहार ने नहीं है कि तीर्थंकर, मुनिराज, भगवान, ये व्यवहार है, ऐसा नहीं। उनको आत्मा माने तो ये निश्चय है, मान्यता और कथन का नाम व्यवहार निश्चय है। उनको आत्मा माने, उनको जीव माने तो ये निश्चय कथन है, ये निश्चय का है श्रद्धान, और उनको पुरुष माने। अब तीर्थंकर भी है, अब मान लीजिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कोई भगवान मान रहा है और एक व्यक्ति कह रहे तो पाषाण है, एक व्यक्ति को पाषाण दिख रहा है तो पत्थर दिख रहा है, कथन उसका भी ठीक है कथन तो। पर अगर हम इसमें भी लगाएंगे तो एक जो भगवान की वितरागता, सर्वज्ञता उसको जान रहा है, उनके उसे जिनेंद्र भगवान मान रहा है, जिन स्वरूप मान रहा है, वो उस निश्चय से भगवान के स्वरूप को जानता है, और जो पाषाण कह रहा है या उसे पाषाण दिखाई दे रहा है तो व्यवहार ने से दिख रहा है उसको। पर अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ ये समझना कि जब तक व्यवहार ने से निश्चय को समझाया जा रहा है तब तक समझ लेना, पर जब समझ में आ जाएगा तो हमें उसका सहज ही छूटता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देते हैं, निषेध वाला ही प्रकरण है, अगला ही है, तो मैं उसको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं निषेध क्यों करा जब व्यवहार ने इतना काम का है?
जब वो निश्चय को बताता है, निश्चय को समझाता है, तो उसका निषेध क्यों करा? देखो, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी ट्रेन से या किसी फ्लाइट से, तो ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है पहुंचाना कहीं कि जिस जगह हमें पहुंचाना अपने उस लक्ष्य तक स्थान तक पहुंचाना, पहुंचाना। उस हाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये ट्रेन का कार्य है, उस साधन का काम। पर जब आप साधन पर पहुंच जाते, तब क्या करते हो? छोड़ देते हैं ट्रेन। क्यों छोड़ते हो? आपको ट्रेन की महिमा नहीं आई क्या? उसने आपको इतनी इग्नोर दूर नहीं तक करते लेकर लेकिन, आए हैं, लेकिन आपको इग्नोर इतनी, नहीं करते। हाँ, एक छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ट्रेन क्यों छोड़ी छोड़ा? लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया, और उसके आगे भी उसको चलते ही रहेगा। ट्रेन जब चाहिएगी तब यूज करेंगे, जब जब चाहिए होगा तब यूज करेंगे, पर अभी तो छोड़ दिया, उसके बाद अभी और तो। कुछ हाँ, लिया होगा, जो भी लिया होगा, रिक्शा लिया होगा, जो भी लिया होगा, राइट। चलो और कुछ लिया होगा, पर जब लास्टली आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, तो सारे साधन आपने क्यों छोड़े जो आपको वहां तक लेकर आए? क्यों छोड़ देते? मतलब दूसरा लेने की बात तो छोड़िए, हमने पहले ही क्यों छोड़ा जो हमें इतनी दूर से लेकर आया? क्योंकि उसका उसका प्रयोजन सिर्फ उतना था, खत्म हो गया। हाँ, उसका उसका प्रयोजन खत्म कार्य हो गया। पूरा हो गया, उसका प्रयोजन पूरा हो गया, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसके महत्व को नहीं कम कर रहे हैं, उसका जो महत्व है वो है। पर जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब हम अगर ट्रेन में ही बैठे रहेंगे, तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई सोचे नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेन है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें यहाँ तक लाया, बहुत उपकार है कि हाँ, तो उसी में बैठे रहते, फिर क्या होगा? फिर तो वो कभी भी 3 काल में अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाला नहीं। और हमें, हमारा लक्ष्य यहाँ पर मोक्ष है, हमें मोक्ष तक पहुंचना है। और ये बीच में आने वाले जितने भी पद है, बीच में आने वाले जितने भी साधन है, ये सब व्यवहार साधन इसीलिए कहे गए हैं कि हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में कार्यकारी है, इसमें कोई शंका नहीं। पर जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सहज ही छूट जाता है। ट्रेन कब छूट जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हमारी दृष्टि तो घर से निकलते ही किस पे थी? कि जब हम ट्रेन पे नहीं, अपने, नहीं, लक्ष्य पर, उस लक्ष्य पे लक्ष्य, तो थी, लेकिन उस समय तो बस ये होता है कि ट्रेन पकड़नी है और हाँ, जैसे ही लक्ष्य दिखता है तो ट्रेन अपने आप छूट जाती है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने ट्रेन का सहारा लिया, जब वो लक्ष्य आ गया तो उसको त्याग भी कर दिया। हाँ, छोड़ ठीक दिया। उसी प्रकार निर्विकल्प आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए ही हमने पहले व्यवहार ने का सहारा लिया। व्यवहार ने से पहले विकल्पात्मक आत्मा को समझा, व्रत आदि करे, दान पूजन पाठ स्वाध्याय संयम ये सब करे। पर जब हमें निर्विकल्प आत्मा की प्राप्ति होगी, अब क्या करे? अब अच्छा, उसको छोड़ छोड़ कर थोड़ी आएगा कि निर्विकल्प आत्मा अनुभव से छोड़कर इसमें आए कि नहीं, इनने हमारा बहुत उपकार किया है, इन्होंने हमारी बहुत सहायता करी है, इनका बहुत महत्व है, कि नहीं, इनका महत्व अपनी जगह है। पर जब निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, जब उसकी प्राप्ति होती है, जब उसमें लीन होता है, चाहे आंशिक रूप से भी हो, तो उतना उसके प्रति निषेध भाव आता ही है। और ये, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई व्यवहार का अपमान नहीं है, ये व्यवहार का स्वरूप है। आप जब आगे, अभी देखिए, पढ़ेंगे हम नए चक्र में भी ये बात इस तरह से बताई जाती है कि निश्चय और व्यवहार दोनों में ऐसा ही, ये दोनों का ऐसा ही विचित्रता है कि एक व्यवहार ने तो निश्चय को बता रहा है, निश्चय का प्रतिपादन करता है, और निश्चय ने इतना क्रूर है कि जो मुझे बताता है उसी का निषेध कर देता है, जो मुझे वहां तक लाया उसी का निषेध कर देते हैं। क्यों, हम भी तो ऐसा करते हैं इस पद्धति को? भाई, पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम जब नहाते हैं या कुछ चीज साफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उस पे साबुन लगाते हैं, पहले उस पे हम लगाते हैं, और फिर आप क्या करते हो, उसको धो देते हो। तो क्यों धोया? जब वो लगाना ही था तो धोया क्यों? उसको हटाते क्यों? और अगर हटाना ही था तो लगाया क्यों? तो क्या समाधान दिया जाएगा? अजय जी क्या कहेंगे ऐसे में? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम साबुन का प्रयोग करते हैं किसी चीज को साफ करने के लिए या खुद नहाने के लिए, तो आप पहले साबुन लगाते हो और फिर क्या करते हो, उसको लगा छोड़ देते हो, नहीं, धोना पड़ता है उसको, फिर क्लीन। धोना पड़ता है। तो अब मैं ये कहता हूं कि जब आपको धोना ही था तो लगाया क्यों? नहीं, विदाउट लगाए धुलेगा नहीं। विदाउट लगाए धुलेगा नहीं तो, और जब लगाना ही था
तो धोते क्यों हो? नहीं, वो मैल को साफ करने तो लगाना ही पड़ेगा, बट बाद में उसको छोड़ना पड़ेगा। आप भी मान रहे हो कि नहीं, मतलब ये पद्धति है इस तरह से कि हम पहले लगाते हैं, जो उसका यूज है उसका यूज ही ये है कि पहले लगाओ कि वो मैल हटाए, वो फिर मैल हट जाएगा तो क्या करोगे? अगर साबुन भी लगा हुआ रह जाए तो वो भी एक तरह से मैल ही है, वो भी गलत है, तो उसे भी हटाए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा ही है कि ये जो पाप के स्थान, अशुभ के स्थान हटाने के लिए ये जो शुभोपयोग के व्यवहार आदि साधन की ये साबुन लगाई जाती है, इसको लगाया जाएगा, पर जब उसका काम हो जाएगा, जब मैल हट जाएगा, जब अशुभोपयोग से हट जाएगा, जब लक्ष्य शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ना होगा, तो फिर उसको भी क्या कर दिया जाता है, उसको भी हटा दिया जाता है। उसको हटाकर शुद्ध उपयोग, जैसे शुद्ध वस्त्र का भोग किया जाता है, ऐसे शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं। आप जिसे छोड़ना कहते हैं उसे मैं छूटना कहता हूँ, कि वो छूट एक ही जाता है। बिल्कुल कहने का ही ये सब तरीका है, छोड़ना कहो या छूटना कहो, छूटता सहज ही है और इसी का नाम छोड़ना है, पर दृष्टि से पहले छोड़ता है, दृष्टि से पहले छोड़ता है और प्रवृत्ति में वो बाद में सहज छूट जाता है। लेकिन उस आर्टिस्ट ने जब ले ग्रहण ही नहीं करता है तो छोड़ने का उसमें ये आता ही नहीं है। अगर अगर ज्ञानी है, समझता है, देन देयर इज नो नीड। नहीं, स्टार्टिंग में उसने प्रयोजनवान माना ना, तभी तो निश्चय की प्राप्ति हुई, तो स्टार्टिंग में उसने ग्रहण किया, प्रयोजन अपेक्षा से ग्रहण करते हैं, हम भी कर रहे हैं, सब जीव उसी, जब तक उस तक नहीं पहुंचते तब करता है, पर जब उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है या स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही छूट जाता है, उसी का नाम छोड़ना है। मेरा मेरा ही सिर्फ ये आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि व्यवहार नए जी, जरूरी हाँ है, जी, तो मोक्ष मार्ग में भी जरूरी है। उसके बिना पुण्य कर्म भी नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। आखिर से व्यवहार से निश्चय में आने के लिए भी व्यवहार व्यवहार धर्म होना चाहिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। आप भी ये मान रहे हो ना कि निश्चय व्यवहार से निश्चय में आने के लिए जरूरी है, नहीं, वो तो है ही। फाइनल अगेन, और मतलब अब आना आपके किस में दिनचर्या है? पे आके, नहीं, आप फाइनली आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, छूट ही जाएगा, वो तो मैं मान रहा हूँ। लेकिन हाँ वो स्टेज आने के लिए भी आपको व्यवहार नहीं, को कोई निषेध करेगा, बोलेगा व्यवहार में जाके किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तू आत्मा है, तू ये सब कर ही मत, और ये सब व्यवहार के लिए भी मत कर, पूजा दान कुछ मत कर, कोई भी क्रिया ही मत कर। नहीं, ये गलत है, क्योंकि राइट, किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। समझ होनी चाहिए, बैलेंस चाहिए, कैसा बैलेंस चाहिए, भूमिका के अनुसार व्यवहार नए का यूज होता है। देखो इसके लिए एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ, जैसे कोई अब कहा कि भाई धर्म तो जाने से काम नहीं होगा, तुम क्या करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो। एक तीसरा व्यक्ति है, अब वो 30 साल से स्वाध्याय कर रहा था, पढ़ता है, सारे ग्रंथ आते हैं, सब कुछ याद हो गया, कंठस्थ हो गया है, तो उसको धर्म व्यक्ति जिसको नए नए को कहा था मंदिर जाओ, अब उसको 5 साल हो गए या 2 साल हो गए मंदिर जाते हुए, तो उसको अब कहेंगे कि सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, वो कहेगा आपने ही तो कहा था मंदिर जाना धर्म है। तो उसको ये समझाया जाता है कि तब तुम नहीं जा रहे थे, तब तुम्हें मंदिर में जुड़ने के लिए, धर्म में जुड़ने के लिए, देवशास्त्र गुरु से जुड़ने के लिए हमने कहा था कि धर्म, पर ये यथार्थ धर्म नहीं है। सही है बात बिल्कुल। या यहाँ पे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग ही होगा। हाँ ये ही धर्म है, तो ये इस तरह से ये पैटर्न है। अब आपने ही तो उस चीज का निषेध कर दिया कि जो आपने उसको 1 साल पहले कहा था, निषेध मतलब अब ये नहीं कहा मंदिर मत जाओ, पर अब ये कहा कि इसमें धर्म है। तो ऐसे ही व्यवहार ने के कार्यों को रोकने का नाम निषेध नहीं है, व्यवहार ने के कार्य रुकते भी नहीं है, ज्ञानी के तो और ज्यादा देखे जाते, अज्ञानी बल्कि नहीं करता, ज्ञानी के तो और व्यवहार ने के बिल्कुल यथार्थ प्रवर्तन होता है, जो पूजन पाठ स्वाध्याय संयम आदि बहुत, पर समझ बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, यथार्थ श्रद्धा आ जाता है, अब उसको ये बात पता लग जाता है या ये समझ में आ गया है कि ये कार्य उपयोगी है, पर फिर भी ये मोक्ष नहीं, मोक्ष का उपाय नहीं, साक्षात मोक्ष का उपाय नहीं है, इस तरह से समझना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 8, और कौन पढ़ेगा? नरेश जी आप पढ़िए।
हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ सर, या ये फिजिकल बुक में पेज नंबर 12 है, व्यवहार न्याय का निषेध क्यों? हम नहीं, व्यवहार द्वारा, ये हमें पढ़ना है पेज नंबर 8। हाँ नहीं ठीक है, ये सर एक ही हेडिंग है। बात है वो हमारे यहाँ। अच्छा, अपने ठीक, प्रतिपादक व्यवहार का निषेध क्यों, यही वाली हेडिंग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके। अवभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय नए उद्भूतार्थ क्यों? ठीक है, ये निश्चय नए का प्रतिपादक व्यवहार नए अवभूतार्थ क्यों, ये तो पढ़ लिया ना हमने। हाँ, हाँ, इसके बाद अवभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय नए भूतार्थ ये क्यों, भी हो गया है, इसके हाँ तो नेक्स्ट आप हेडिंग पढ़ रहे पढ़ना। व्यवहार नए का निषेध क्यों, यहाँ से पढ़ेंगे। हम व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विषय में ही अटक कर रह जाएंगे तो निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि व्यवहारातीत होने के बाद ही निश्चय की प्राप्ति होती है। अतः निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध भी आवश्यक है। दूसरे, व्यवहार नहीं का फल संसार ही है, अतः मुक्त होने के लिए भी व्यवहार नहीं का निषेध किया जाता है। आगे बढ़े। प्रतिपाद्य हाँ पढ़िए। प्रतिपादक संबंध, निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु समझ में नहीं आवेगी, अतः निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार प्रतिपादक। जैसे व्यवहार का काम भेद करके समझाना और संयोग का ज्ञान कराना है, वह अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है, पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोग से भी समझाता असंयोगी तत्व को ही है, इसलिए उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। ये भी पढ़िए आगे का। निषेध्य निषेधक संबंध, निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है, अतः व्यवहार नए निषेध्य है और निश्चय नए निषेधक। जिस प्रकार साबुन को धोए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, उसी प्रकार व्यवहार के निषेध बिना निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब व्यवहार द्वारा निश्चय के परिपूर्ण प्रतिपादन के बाद निश्चय की प्राप्ति हो जाती है, तब व्यवहारातीत होने के लिए व्यवहार का निषेध किया जाता है, क्योंकि व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। व्यवहार की सार्थकता निषेध में है, इस प्रकार व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। देखिए यहाँ पर दो संबंध बताए गए हैं, शॉर्ट में ही मैं इसको बताऊंगा, आप समझ लीजिए। व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों में दो संबंध है। पहला संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपाद्य मतलब होता है जिसका प्रतिपादन किया जाए, और प्रतिपादक होता है जो प्रतिपादन करने वाला हो। तो जब हम प्रतिपाद्य प्रतिपादक बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार सामने आप लिख सकते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक, क्योंकि हमने प्रतिपाद्य के स्थान पर कौन लिया है, निश्चय, मतलब प्रतिपाद्य जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रतिपादन मतलब वो तो बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको समझाना है, जिसको बताना है। और बता कौन रहा है, बताने वाला कौन है, वो होता है प्रतिपादक, प्रतिपादक। तो व्यवहार ने हो गया प्रतिपादक और निश्चय ने हो गया प्रतिपादक। इसमें हमें तो बहुत ध्यान से ये चीज देखनी है, जब क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे और ऐसा पूछा जाता है कि निश्चय व्यवहार में क्या संबंध है, तो आपको पहले क्या लिया गया है, पहले लिखा है निश्चय, तो निश्चय पे आपको प्रतिपाद्य ही लिखना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिपादक प्रतिपाद्य होगा, तो ये गलत हो जाएगा।
तो फिर आपको व्यवहार को पहले लिखना पड़ेगा, मतलब रिस्पेक्टिवली जो होता है ना, कि भाई अगर आप पहले निश्चय को लिख रहे हो तो उसके सामने क्या आएगा, प्रतिपाद्य, और व्यवहार बाद में लिखा है तो बाद में क्या लिखेंगे, प्रतिपादक, क्योंकि अगर आपने इसको आगे पीछे करा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, प्रतिपादक कुछ और हो जाएगा और प्रतिपाद्य कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा ये निश्चय ने और व्यवहार ने का संबंध है। दूसरा एक और संबंध बताया, वही व्यवहार ने बताने वाला है। अब हम जब दूसरे संबंध की बात कर रहे हैं तो दूसरे संबंध में आया निषेध्य और निषेधक। निषेध्य और निषेधक, निषेध्य मतलब है जिसका निषेध किया जाए, और निषेधक मतलब निषेध करने वाला। व्यवहार ने क्या है इनमें से, निषेध करने वाला है या जिसका निषेध किया जाए? निषेध किया जाए। किया जाए, जिसका निषेध किया जाए, मतलब जो निषेध होने योग्य है वो उसे कहते हैं निषेध्य। शब्द का अर्थ हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। निषेध्य मतलब जिसका निषेध किया जा रहा है, जो निषेध होने योग्य है। तो व्यवहार ने आएगा निषेध्य, और निषेधक उसको काटने वाला, उसको निषेध करने वाला कौन है? निश्चय है। तो अब अगर मैं पूछता हूं आपसे, निश्चय व्यवहार में क्या संबंध है? निश्चय व्यवहार में क्या संबंध है? प्रतिपाद्य तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का, और प्रतिपादक का, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए व्यवहार निश्चय में क्या संबंध है, कि निषेध्य और निषेधक का। निषेध्य और निषेधक का, बिल्कुल सही। ये अब बहुत छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा बोलने में, पर इससे पूरा अर्थ बदल सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं दोबारा बता देता हूँ जिनको अगर अभी क्लियर नहीं हुआ हो। व्यवहार ने है जिसका निषेध किया जा रहा है, और निश्चय ने है जो निषेध करने वाला है। तो निषेध्य हुआ व्यवहार और निषेधक हुआ निश्चय। तो व्यवहार निश्चय में क्या संबंध है? निषेध्य और निषेधक। जब बात आ रही है निश्चय व्यवहार, जब उल्टा, तो निश्चय ने और व्यवहार ने में क्या संबंध है, तो कहा जाएगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक। निश्चय ने प्रतिपाद्य है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, और व्यवहार ने प्रतिपादक है जो प्रतिपादन करने वाला है, बताने वाला है। जैसे देखो प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, बताने वाला। जैसे हमने किसी को उंगली दिखाई और उंगली दिखा के कहा कि देखो चांद देखो, बच्चों को दिखाते हैं, किसी को दिखाया मैंने चांद दिखाया, तो चांद हम उसको दिखा रहे हैं या कोई भी चीज की तरफ हम इशारा करके दिखाते हैं, तो वो उंगली देखे, उंगली देखने के बाद उसे क्या देखना होगा कि वो उंगली क्या दिखा रही है। अगर वो कहे कि नहीं आप तो उंगली दिखा रहे हो, देखो देखो, तो वो उंगली देखता रहेगा तो उसे चांद दिख जाएगा क्या, कि नहीं? ये उंगली जो है ये उस चांद को या उस वस्तु को प्रतिपादन कर रही है, उसकी तरफ इशारा कर रही है। देखना क्या है, उंगली या चांद, क्या देखना है? नहीं, चांद देखना चाहिए। उंगली भी देखनी है, पर उंगली देखकर चांद को देखना है, ये है पद्धति। ऐसी व्यवहार ने को भी देखना है, व्यवहार ने को भी जानना है, और व्यवहार ने को किस लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निश्चय को देखने के लिए, क्योंकि व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। समझ आ रही है बात? ये चीज की व्यवहार और निश्चय में संबंध अभी निषेध्य और निषेधक का आया, तो क्या व्यवहार और निश्चय में ऐसे प्रतिपादक और प्रतिपाद्य, मतलब क्रम इस तरह से रख के ये भी तो लिख सकता है क्वेश्चन लिख में, अगर सकते हैं, दोनों, मतलब क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन आते हैं कि आप व्यवहार और निश्चय का संबंध बताइए, तो उसमें से दोनों ही लिखे जा सकते हैं कि प्रतिपादक और हाँ प्रतिपाद्य का, और निषेध्य और निषेधक का। हाँ दोनों लिखे जा करेक्ट सकते हैं, पर हमें क्रम का ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट। और ज्यादातर जैसे ये जब बोला जाता है तो ऐसे बोला जाता है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेध्य निषेधक। इस तरह से आप देखोगे तो दोनों में आगे पीछे होगा ही होगा। सर चले लेकिन आगे। उनका उपयोग हाँ भाई समय सार पढ़ने में आएगा, आगे ग्रंथ पढ़ने में आएगा, मतलब ठीक है, निमित नैमित्तिक से तो बहुत सारी चीजें हमारी आंसर हो जाती है, बट ये नए शब्द आए हैं तो इनको कहाँ पे रियल यूज होगा इनका, या सिर्फ नहीं, शब्द ज्ञान इनका के साथ? यूज बहुत जगह चल रहा है, बहुत जगह। आप प्रतिपाद्य शब्द है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, और एक होता है उसका प्रतिपादक, हर जगह डेली लाइफ में इसका यूज हो रहा है। एक होता है प्रतिपादन करने वाला, एक होता है प्रतिपादन जिसका किया जाए। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम एक जैसे कोई मोबाइल लाए या कोई डिवाइस लाते हैं,
उसके साथ उसकी गाइड आती है। वो गाइड क्या है? वो प्रतिपादक है, वो उसके बारे में बता रही है, उसकी पूरी जानकारी दे रही है। जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो उसको साइड में रख देते हैं। अब जब आपको मोबाइल चलाना आ गया तो मैं पूछता हूँ, आपके सेलफोन की गाइड कहाँ है आपको पता है? उसकी भी खबर नहीं है। उसको क्या मतलब, उसको प्रयोजन खत्म हो गया तो हमें उससे खत्म हो जाता है दोस्त। तो वो जिसके बारे में बताया जा रहा है, हर चीज में आजकल तो ये पद्धति यूज की ही जा रही है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक की। साइन बोर्ड्स में, किसी भी चीज में, किसी भी चीज को मतलब पढ़ने में, जितना भी आप देखोगे, जब जगह जहाँ पे लेबलिंग होती है, वो प्रतिपादन है। और प्रतिपाद मतलब वो प्रतिपादन करने वाले हैं, प्रतिपादक है, और जिसका किया जा रहा है वो प्रतिपाद्य। हर जगह ये पैटर्न है, मतलब डेली लाइफ में तो बहुत जगह ये हो रहा है। आप एक कदम भी आज बिना उस साइंस के या बिना लेबलिंग के नहीं कर सकते, होता है कि नहीं है? मतलब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप दिल्ली में जा रहे हो और आपने मेट्रो में लिखा देखा कुतुब मीनार, तो वहां कुतुब मीनार है क्या कि नहीं? पर आपने उस स्टेशन के नाम से आपने ये देख लिया कि हाँ यहाँ से जाएंगे या इससे होते हुए जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? कुतुब मीनार पहुंचेंगे। गुड़गांव है तो गुड़गांव आपने स्टेशन देखा या कहीं बोर्ड देखा, उस नाम से तो आप उसके स्थान का ज्ञान हो जाता है। तो वो बोर्ड या वो लेबलिंग, वो हो गया प्रतिपादक, और वो जिसको बता रहे हैं वो हो गया प्रतिपाद्य। तो इसमें कोई साइन होना जरूरी है क्या? नहीं, साइन नहीं, लिखा हुआ भी तो होते ऐसे लिखा हुआ कोई। या साइन? जैसे मैं बोल सकती, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि अमन सर प्रतिपादक है और निश्चय व्यवहार प्रतिपाद्य है, ऐसे भी लग जाएगा उसमें? नहीं, यहाँ तो मतलब ये नहीं लगेगा। आप उसको ऐसा समझिए, कोई किसी चीज को बताने, अब जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो या साइन हो, मुद्रा भी हो सकती है, किसी के हाव भाव से भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मतलब कोई छोटे बच्चे होते हैं या उनका जो होता है वो बताते कुछ नहीं है, बोल नहीं सकते जो वो क्या बताएं, पर आप उनकी मुद्रा देखकर वो क्या प्रतिपादन करने वाले हैं या वो क्या बताना चाहते हैं ये समझ लेते हैं कि नहीं। तो किसी की मुद्रा, किसी के मतलब बाह्य रूप, उससे हम प्रतिपादन मतलब वो प्रतिपादन करते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो क्या बताने जा रहे हैं। तो ये तो एक पैटर्न है। तो चक्षु का विषय होना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर्ण से भी हो सकते हैं ना, सुन के भी तो कर सकते हो, किसी भी तरह से हो सकता है। तो ज्ञान का तरीका बताया है कि जानने के लिए, जैसे आत्मा है हमारे लिए जानना, और आत्मा को जानेंगे किससे, कि भाई उसके लक्षण से, ज्ञान गुण से, ये उसके लिए प्रतिपादन हो गया करने वाले, मतलब कि भाई आत्मा को कौन है बताने वाला, भाई जिनवाणी हो गई, ये शास्त्र हो गए, ये गुरु हो गए, ये उसके प्रतिपादक हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है निषेध निषेधक। देखो, इसके लिए निषेध निषेधक में ऐसा समझिए कि दोनों निश्चय व्यवहार, मतलब निश्चय ने व्यवहार ने का निषेध तो करता है, पर निश्चय ने व्यवहार ने दोनों शत्रु नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक ही है। एक एग्जाम्पल इसके लिए दादा नए चक्कर में हमेशा देते हैं कि दो व्यक्ति है, दो मित्र है, दो फ्रेंड्स है, जो चेस खेल रहे हैं, शतरंज का एग्जाम्पल देते हैं, वो चेस खेल रहे हैं, कोई भी गेम लगा लीजिए आप, वो गेम खेल रहे हैं। तो अब एक के पास सफेद है और एक के पास काली है, तो अब वो दोनों मित्र है, पर हर समय दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मैं इसको कैसे हरा दूं, वो सोच रहा है मैं इसको कैसे हरा दूं, वो सोच रहा है मैं इसको कैसे हरा दूं, मैं इसको कैसे इसके राजा को क्षय कर दूं और ये कर दूं, वो सब ये सोच रहा है। मतलब इतना एक दूसरे के बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे दुश्मन भी नहीं सोचते। तो अब मैं पूछता हूं कि वो दोनों मित्र है या शत्रु है, बताइए। मित्र कोई जो जानता ना हो ना, मतलब मानो वो दोनों व्यक्ति को जानता नहीं और वो रैंडम व्यक्ति आएगा और वो देखेगा, कोई भी आप और अन्य गेम में लगा लीजिए, बिल्कुल ऐसे खेल रहे हैं कि बस इसको हरा दे, तो कोई देखकर ये नहीं पहचान पा सकता कि ये दोनों मित्र भी हो सकते हैं। तो देखकर क्या लगेगा कि ये दोनों शत्रु है या मित्र है, लग तो रहा है शत्रु है, बिल्कुल शत्रु है भाई, इस एक दूसरे को हराने की बात कर रहे हैं, जीतने की उसमें हो रही है भावना,
तो शत्रु में होती है, मैं उसको हरा दूं, मैं उसको जीत लूं, मैं उसको कर दूं, परास्त कर दूं, तो शत्रु है, पर वे दोनों तो मित्र हैं। तो दादा इसको ऐसा कहते हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे के उस समय शत्रु ना बने तो फिर गेम क्या रहेगा। अगर खेल में भी वो दोनों मित्रता दिखा देंगे तो फिर क्या खेल रहेगा। और यदि वो शत्रु होते तो कोई शत्रु के साथ खेलता है क्या? कोई शत्रु के साथ खेलेगा कि नहीं? मित्र है, पर मित्र होते समय भी खेलते समय, खेल के समय दोनों क्या है? शत्रु। ठीक उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादन के समय हम बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। वह व्यवहार ने निश्चय को बताता है, पर जब हम उसके निषेध की बात करेंगे तो निश्चय ने उतनी ही क्रूरता से उस व्यवहार ने का निषेध भी कर देता है, निर्दयता से। पर बाद में आके फिर मित्र हो जाते हैं, फिर पूरक हो जाते हैं। जैसे टीवी में दिखता है ना कि भाई जो न्यूज में डिबेट्स होती है, जो दो पार्टी के लोग होते हैं वो वहां तो बहुत लड़ते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और जैसे ही स्टूडियो से बाहर जाते हैं एक साथ चाय पानी पी रहे होते हैं, वो एक साथ घूम रहे होते हैं। तो इसीलिए तो जैसा प्रयोजन होता है उस अनुसार प्रतिपाद्य प्रतिपादन बन जाता है, उसी अनुसार निषेध निषेधक बनता है। समझ आ गया आपको पूरा? अब हमने इतनी जो बात कर ली है, अब हमें निश्चय न्याय को समझने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ व्यवहार नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ निश्चय भी साथ में पढ़ ली, पर अब हम यहाँ पे रीडिंग में निश्चय न्याय आ रहा है। पढ़िए आगे, अब कौन पढ़ेगा? अजय जी आप पढ़ेंगे। निश्चय ने विभिन्न शास्त्रों में निश्चय ने के बारे में विभिन्न कथन कथन प्राप्त होते हैं, जिनमें कतिपय निम्न है। नंबर एक, जो अभेद व अनुपचार से वस्तु का निश्चय करता है उसे निश्चय ने कहते हैं। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं। आत्माश्रित कथन को निश्चय कहते हैं। जिसका विषय अभिन्न कर्ता कर्मादि है वह निश्चय ने है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय ने है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना यह निश्चय ने का कथन है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उस ही की कहना निश्चय ने है। निश्चय ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, वो कारण कार्यादि को किसी में नहीं मिलाता, उनका यथावत निरूपण करता है। निश्चय ने भूतार्थ है। उक्त समस्त कथनों पर ध्यान देने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। परिभाषा, जो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा स्थापित एकता का खंडन करता है और एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध अखंडता की स्थापना करता है उसे निश्चय ने कहते हैं। कार्य, निश्चय ने का कार्य पर से भेद और निज में अभेद स्थापित करना है तथा कर्ता कर्म के भेद का निषेध कर अभिन्न कर्ता कर्मादि षटकारक की स्थापना करना भी है। कथन, निश्चय ने जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र यथावत कथन करता है। निश्चय ने का कथन स्वाश्रित होता है। भूतार्थता, स्वाश्रित होने से निश्चय ने के कथन सत्यार्थ है, भूतार्थ है अथवा समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वस्तु में वो परस्पर विरोधी धर्म युगल निश्चय ने का विषय अभेद अखंड आत्मा है। उसके विषयभूत आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः यह नए भूतार्थ है। निश्चय ने और व्यवहार ने में अंतर, देखिए अभी इतना देख लेते हैं। तो निश्चय न्याय का सारा स्वरूप हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा? कि व्यवहार का पढ़ा था हमने, तो कि व्यवहार का ही आपको ध्यान होगा, मैंने उससे आपसे उल्टी परिभाषाएं बनवाई थी कि जो जो व्यवहार ने कहा है उसका आप उल्टा बना दो कि सब निश्चय न्याय के बन जाएंगे। अभी निश्चय का चल रहा है तो आप इससे व्यवहार की समझ सकते हो कि जो मतलब अभेद या उपचार से वस्तु का निश्चय करता है, अभेद या अनुपचार से, तो इसमें क्या बन जाएगा व्यवहार में? जो भेद या उपचार से करता है। ऐसे करके हमने पूरा समझ लिया था। तो
तो आप एक की याद कर लीजिए, दोनों नए की याद हो जाएगी, सब लग जाएगा। आत्माश्रित कथन उसमें आया था, पराश्रित कथन जिसका कथन ऐसा होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसा कथन करने वाला होता है। जिस नए के कथन में अभिन्न कर्ता कर्म आदि होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, वो आ जाएगा निश्चय नए में। जो द्रव्य जो कथन जो नए एक ही द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य रूप कथन करता है, ये निश्चय नए है। व्यवहार नए अलग अलग को अलग अलग मिला जुला के कहता है, जैसे हमने कहा था घी का घड़ा इत्यादि, मिट्टी का घड़ा आदि, सब निश्चय नए में चला जाएगा। जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उसी ही की कहना, ये निश्चय नए है। मतलब द्रव्य की जो परिणति है यथार्थ तो उस द्रव्य की है, उसे उसी की कहना। जैसे जीव का काम जानना है तो जानना ही जीव का कहना, पर खाना पीना चलना फिरना बोलना ये जीव की परिणति नहीं है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि जीव खाता है पीता है, ये व्यवहार में चला जाता है। भूतार्थ है निश्चय नय और अभूतार्थ हो गया व्यवहार में। कार्य भी आप देखोगे तो निश्चय नय का कार्य व्यवहार नय के कार्य से बिल्कुल उल्टा है। व्यवहार नय का कार्य क्या था? दो कार्य बताए थे, आज भी मैंने रिवाइज कराया था। व्यवहार नय के दो कार्य क्या है? हैंड रेज करिए, कौन बता सकता है अपने से? व्यवहार नय के दो कार्य, हाँ शिखा जी बताइए। या अभेद वस्तु में भेद करके बताना, ये व्यवहार नय का काम है। और भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से कथन करना, हाँ उनको एक कहना, उनको ये कहना। ये व्यवहार नय का काम है। सही है, बिल्कुल सही। अब इसी के बिल्कुल कंट्रास्ट में कोई निश्चय नय का बताएगा काम? निश्चय नहीं कि दो कार्य क्या हो गए अब? नीच में भेद करके देखना और दो वस्तु को एक मिला के देखना। ये लो, ये तो व्यवहार ने का था, ये तो व्यवहार ने के काम है कि निज में मतलब एक में भेद करना मतलब तोड़ना, और दो वस्तुओं को अलग अलग जो भेद हैं दो भिन्न वस्तुओं ने जोड़ना, ये तो व्यवहार नहीं का काम, निश्चय का बताना। उनका करिए ट्राई, ऑपोजिट कौन मीनाक्षी सर मैं जी? करूं? हाँ आपने हाँ अंडरस्टैंड किया, बताइए। सर, निश्चय नय में मतलब दूसरे द्रव्य से तो भेद करना बिल्कुल सही है, और खुद के अंदर बहुत सारी अभेद मतलब और उसको डिवाइड करना। तो दूसरों से तो अलग कर दिया पर खुद के अलग अलग लक्षण बता दिए, एक तो ये हुआ। दूसरा, दो अलग अलग द्रव्य में कैसे एक साथ कनेक्टेड है वो बताना, ये ये निश्चय निश्चय नहीं के कार्य। निश्चय ने का काम। हाँ मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं कि नीच में अभेद करना और पर में भेद करना। बिल्कुल सही है। देखो मीनाक्षी जी, जो आपने कहा है उसको थोड़ा सा हम एक बार करेक्ट कर लीजिए। जैसे हम जब हम ये कह रहे हैं कि दो द्रव्यों को जोड़ना, जैसे मैंने कहा कि ये भाई मोबाइल मेरा है, तो ये एक द्रव्य हो गया और मैं एक द्रव्य हो गया, ये मोबाइल मेरा है, ऐसा दो द्रव्यों को एक बताना, ये तो व्यवहार नय का काम था। अब इसी का बिल्कुल कंट्रास्ट क्या होगा? निश्चय नय का काम। निश्चय नय का काम होगा कि दो द्रव्यों को जो अलग अलग है उनको भेद ही बताना, उनको अलग अलग ही बताना, उनको एक नहीं बताना। मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को भिन्न बताना, ये है निश्चय नय का एक काम। समझ आ रहा है ये? भाई जो दो अलग अलग है वो एक कैसे हो सकते हैं? तो ये यथार्थ बात है और निश्चय नय यथार्थ को बताता है। तो दो द्रव्यों को अलग अलग जो बिल्कुल सेपरेट ही एग्जिस्टेंस है, जिनकी बिल्कुल सत्ता ही अलग अलग है, वस्तु भिन्न भिन्न है, उनको अलग अलग बताना, ये निश्चय नय का काम। दूसरा काम अब समझिए, दूसरे काम में आप सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। व्यवहार नय का काम है कि हमने एक वस्तु को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि अब इंडिया वैसे तो एक है, पर अब व्यवहार नय से पूछोगे आप इंडिया क्या है, तो वो कहेगा गुजरात महाराष्ट्र
मतलब दिल्ली, यूपी, ये सब जोड़कर बनता है इंडिया, ये कहेगा व्यवहार ने। अब व्यवहार ने क्या देख रहा है, इतने सारे पार्ट्स को देखता है। व्यवहार ने अभेद में क्या कर रहा है, एक अभेद इंडिया में, एक पूरे अखंड इंडिया को क्या कर रहा है, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। व्यवहार ने कहेगा हमें एक इंडिया नहीं दिखता, इंडिया क्या है, वो कहेगा हमें तो 29 स्टेट्स दिख रही है। ये व्यवहार ने का काम है एक अभेद में भेद करना, डिवाइड करना। उसी उसी के उल्टा निश्चय ने का कार्य क्या कहा कि जो एक वस्तु है उसमें अंदर में डिवाइडेशन नहीं करना, उसको एक ही देखना, अभेद ही देखना, पार्ट्स में डिवाइड। अब अगर हम निश्चय ने से पूछेंगे तो भारत क्या है, इंडिया क्या है, कि भाई इंडिया इंडिया है, कोई पार्ट्स नहीं, ठीक है, कोई उसमें कोई भेद नहीं है सब। वो उससे निश्चय ने से पूछा जाए कि ये गुजराती है या मराठी है कि नहीं, वो निश्चय ने तो ये कहेगा कि ये सिर्फ भारतीय है, वो भेद देखे गए। तो अपने एक वस्तु में भेद ना देखना, उसमें उसके गुणों में, उसके अंदर के पार्ट्स में आप भेद देखना, भेद ना करना, ये निश्चय ने का दूसरा काम। अब कितना समझ आया है सर, किस किस को समझ नहीं आया अभी? भैया जी, फिर इसको शब्दों में ऐसे कहें कि अभेद वस्तु को भेद कर करके देखना ये व्यवहार ने का काम है, और उसी जिसके बहुत सारे भेद हैं उसको भी अभेद रूप से देखना वो बहुत सारे निश्चय भेद का नहीं, काम है। बहुत सारे भेद है ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक अभेद वस्तु को अभेद देखना। अच्छा, अभेद वस्तु को अभेद ही देखना। अच्छा, भारत को भारत ही देखना जबकि उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं फिर। हाँ वो तो है ही। जैसे आप देखो, मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। समय सार में आपको सातवीं गाथा का ध्यान आना चाहिए कि समय सार में ये कहा है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये सब नहीं है। इतना कह दिया हाँ ये नहीं है, चलो नहीं है तो हम छोड़ो। अगर उसमें ये कह दिया कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र व्यवहार से है, अब बताओ अगर व्यवहार ने अभूतार्थ होता, सत्य होता, तो क्या ये बात गलत है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है क्या? ये है, पर उसको व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो व्यवहार क्या कर रहा है, एक आत्मा में डिवाइड कर रहा है, कर रहा डिवाइड है। एंड रूल, कि भाई ज्ञान, दर्शन, चारित्र अलग अलग कर दिया, तो हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, व्यवहार के खाते में डाल दिया। ये भेद हो गया, एक वस्तु में भेद करना, ये व्यवहार ने का काम। उसी समय सार में आप आगे चलो 27 नंबर की गाथा पे, 7 के बाद आप 27 नंबर की गाथा पे आइए, आप देखना ये आज जाकर 27 नंबर की गाथा में आप जाओगे तो वहां कहा है व्यवहार ने का दूसरा काम। वहां ये कहा कि शरीर की स्तुति करना ही आत्मा की स्तुति है, वही तीर्थंकरों की स्तुति है। तो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ दो चीजों को मिला दिया, एक शरीर को और एक आत्मा को, तो यहाँ दो को एक करना, ये हो गया व्यवहार ने का दूसरा काम। अब ये दोनों ही परिभाषा ये हमें समय सार से ही मिल गई। अब आप सोचो यदि हम व्यवहार ने की एक परिभाषा को ही 100% मान लेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 10 परिभाषाएं बनाई हैं आप। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, पराश्रित है, कहाँ कौन सी लगेगी वो हमें लगाना आना चाहिए। व्यवहार ने के दोनों ही काम है, दो अलग अलग को मिला देना और एक जो अखंड है उसको भेद कर देना। समझ आ रही है बात? अभी किसको समझ नहीं आया हो तो आप हैंडल्स कर लीजिए। अभी मैं पूछूंगा नहीं क्या समझ में आया है, पर मैं ये मान सकता हूं कि सबको आ गया होगा। चले आगे, ये निश्चय ने का कार्य हो गया। तो अब व्यवहार ने और निश्चय ने में अंतर क्या है, बहुत सारे अंतर यहाँ पे बता रहे हैं, 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स में यहाँ पर अंतर बताएंगे, कम से कम हमें 10 तो आने ही चाहिए, 18 नहीं 10 तो आने ही चाहिए, ऐसे हो जाएंगे 10 तो। चलिए पढ़ देते हैं, पढ़िए अजय जी आप पढ़िए। निश्चय ने और व्यवहार ने में अंतर। निश्चय ने और व्यवहार ने में निम्नानुसार अंतर है। निश्चय ने यथार्थ निरूपण करता है, व्यवहार ने उपचरित निरूपण करता है। निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है, व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। निश्चय ने असंयोगी कथन करता है, व्यवहार ने संयोगी कथन करता है। निश्चय ने भूतार्थ है,
व्यवहार ने अभूतार्थ है। निश्चय ने जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। व्यवहार ने निमित्तादि की अपेक्षा अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य की कह देता है। निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को उनके भावों को और कारण कार्यादि को मिलाकर कथन करता है। निश्चय ने एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना करता है। व्यवहार ने एक अखंड वस्तु में भेद करता है। निश्चय ने दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में स्थापित एकता का खंडन करता है। व्यवहार ने प्रयोजनवश दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है। निश्चय ने का कार्य स्व से अभेद और पर से भेद करना है। व्यवहार ने का कार्य स्व में भेद और पर में अभेद करना है। निश्चय ने प्रतिपाद्य है, व्यवहार ने प्रतिपादक है। निश्चय ने निषेधक है, व्यवहार ने निषेध है। निश्चय ने और व्यवहार ने में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। व्यवहार ने और निश्चय ने में निषेध निषेधक संबंध है। निश्चय ने को पाने के लिए व्यवहार ने को छोड़ना होगा। व्यवहार ने के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता। निश्चय ने को समझने के लिए प्राथमिक भूमिका में व्यवहार ने को अपनाना होगा। व्यवहार ने को छोड़े बिना निश्चय ने पाया नहीं जा सकता। निश्चय ने के बिना तत्व शुद्धात्मा के अनुभव का लोप हो जाएगा। व्यवहार ने के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय ने प्रधान है, उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार ने प्रधान है। अनुभव के काल में निश्चय ने का विकल्प छूटता है पर विषय का आश्रय रहता है। अनुभव के काल में व्यवहार ने का विकल्प एवं विषय का आश्रय भी छूट जाता है। निश्चय ने अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है, व्यवहार ने भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध बताता है। आगे पढ़ना है? हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पे निश्चय व्यवहार ने के डिफरेंस बताया। पूरा सारा विषय रिवाइज हो गया है और आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी हमने बिंदु देखे, जितना भी समझने में आया, वो सब इसमें आ गए। अभी जिसकी हमारी बात चल रही थी वो 8th और 9th नंबर का पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि भाई दो में एकता बनाना, दो में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद करना, स्व और पर में अभेद करना, ये व्यवहार ने का काम है जो 9th पॉइंट कह रहा है। और स्व से अभेद और पर से भेद करना ये निश्चय ने का काम है। जो एकता होती है भिन्न वस्तुओं में, निश्चय ने उसका खंडन करता है। निश्चय ने कहता है कि नहीं, कोई एकता विकता नहीं है, कोई एकता नहीं होती है दूसरे से, मतलब अन्य वस्तुओं से कोई एकता या अन्य पर से कोई संबंध नहीं, ये निश्चय ने कहता है। और व्यवहार ने कहता है कि हम सब भाई भाई है, व्यवहार ने कहता है हम सब एक है, ये व्यवहार ने के कथन है। तो ये सब बिल्कुल पॉइंट्स इसमें आ गए हैं, बहुत अच्छे इसमें बातें कही है, और भी सारी चीजें इसमें आ गई। प्रतिपाद्य प्रतिपादक की बात आ गई, किसको ग्रहण करना किसको छोड़ना, तो वो भी कह दिया कि निश्चय ने को पाने के लिए व्यवहार ने को छोड़ना होगा, ये भी बात ठीक है। और ये भी कह दिया कि निश्चय ने को समझने के लिए प्राथमिक भूमिका में व्यवहार को अपनाना होगा। तो दोनों बात हो गई ना, व्यवहार को अपनाना भी है और व्यवहार को छोड़ना भी है। दूसरा आगे फिर ये बात एक कही थी कि आत्मानुभव की बात, कि आत्मानुभव के समय, जब आत्मानुभव का काल है तो निश्चय ने का भी विकल्प नहीं होता। व्यवहार का तो विकल्प दूर दूर तक नहीं है, निश्चय ने का भी विकल्प नहीं होता, और बस उसका विषय होता है। निश्चय ने का विषय क्या है? आत्मा है। तो आत्मा ही बस विषय बनता है, ना विकल्प अन्य आत्मा का होता है ना अन्य का। तो इसके लिए एक एग्जांपल देके बस हम ये डिफरेंस पूरा करेंगे कि जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मिठाई बना रहे हो, तो आप बनाते हो, मान लीजिए खीर बना रहे हैं, खीर बनाने में जब आप बनाते हो तो उसको बनाने में बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप देखते हो भाई ये इसमें किसी को सीखना हो, किसी को जानना हो कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस देखेगा, पूरा पढ़ेगा, दूध डलेगा, फिर उसमें चावल डलेंगे, फिर उसको ऐसा करना है, फिर उसको इतने मिनट ये करना है, इतना मिनट चलाना है, इतनी उसमें शक्कर डालनी है, ये पूरा प्रोसेस उसको बनाते वक्त उसकी एक एक प्रक्रिया का विकल्प ध्यान में रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई
बिना विकल्प करे डाल देगा, जब वो सीख रहा है, जब वो जानता नहीं तो उसको एक एक चीज का विकल्प पूर्वक करेगा। पर जब आप खीर को खाते हो, जब आप उसका भोग करते हो या उसका सेवन करते हो, तब आप कितना सोचते हो कि ये जो चावल है ये कौन से वाले होंगे, कितने किलो, कितने इनका क्या कीमत होगी, ये कौन सोचता है, ये दूध कौन सा होगा, इसमें शक्कर जो डली होगी वो कितने ग्राम डली होगी, कि कोई नहीं सोचता। क्योंकि जब हम उसका अनुभव करते हैं तब हमें उसका विकल्प भी नहीं होता है, नहीं विकल्प भी नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प भी रहा तो उसका आपको आनंद नहीं आएगा। आप ये सोचते रहोगे बनाते समय, सीखते समय, तब तो विकल्प भी होगा, तब वो सब कुछ करेगा पूरा, तब एक एक प्रोसेस पे ध्यान देगा, एक एक चीज देखेगा कितना क्या डला है। पर खाते हुए समय पे या उसका आनंद लेते हुए उसका रंच मात्र भी विकल्प नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ये कहा है, अनुभव के काल में आत्मा का अनुभव करते हुए निश्चय नय का भी विकल्प नहीं होता है, सिर्फ निश्चय नय का विषय होता है। अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है, और उपदेश की प्रक्रिया में या समझने की प्रक्रिया में जब तक समझ रहे हैं तब तक ये कह रहे हैं कि व्यवहार नय का विकल्प बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। आप किसी को उपदेश ही नहीं दे पाओगे, कुछ समझा ही नहीं पाओगे अगर व्यवहार में नहीं, और निश्चय नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। समझाओगे किसे, अगर निश्चय नहीं ही ना हो तो समझा किसको रहे हो भाई। व्यवहार इस जितने भी है सब उसको निश्चय नहीं तक पहुंचने के लिए है। तो इस तरह से ये हमने बात ये देखी है, और भी इसमें मतलब आगे चलेगी बात। अभी अपना ये जो पेज हुआ है ये अपने 11 पेज तक हुआ है, अब आगे निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप, हम इसकी वैसे चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे आगे तब इसको चलते हैं, और फिर इसके बाद व्यवहार नय के भेद प्रभेद आएंगे। तो हम ये रीडिंग कर लेते हैं, तो जो अपना भेद प्रभेद तक का प्रकरण हो जाएगा रीडिंग करने में, इसका हमारा सब क्लियर हो जाएगा। अब कौन पढ़ेगा अपने से? हाँ मैं पढ़ूंगी। पढ़िए आप, देशी पढ़िए। निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप, आवाज साफ आ रही भैया? ठीक हाँ है। निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप, उक्त प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चय व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं अपितु विरोध दिखाई देता है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को निश्चय ने अभेद अखंड कहता है व्यवहार उसी में भेद बताने लगता है, और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है निश्चय नय के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकते। जैसे व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय नय कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। उक्त तो उदाहरणों में व्यवहार नय पर से एकत्व तो स्थापित कर रहा है, और निश्चय नय उससे स्पष्ट इनकार कर पर से भेद कर रहा है। अथवा ज्ञानी आत्मा के चारित्र दर्शन ज्ञान, ये तीन भेद व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। इस उदाहरण में व्यवहार ने स्व में भेद कर रहा है, और निश्चय ने उससे इनकार कर स्व में अभेद स्थापित कर रहा है। इस प्रकार व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद करके समझाना है। निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। व्यवहार में दो प्रकार, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का भेद करता है, उनमें कर्ता कर्म का संबंध बताता है, और निश्चय ने अभिन्न षटकारक के साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध करता है। यही इनसे परस्पर विरोध का रूप है। निश्चय ने और व्यवहार ने के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है, भैया 1 मिनट, जो ये ऊपर कर्ता कर्म का भेद आया इसमें वो दृष्टांत, जैसे वो घड़ा कुम्हार ने बनाया, वो लकड़ी की मदद से बना, वो सब आएंगे, और घड़ा मिट्टी से ही बना हुआ है तो मिट्टी ही उसकी करता है, ऐसा हाँ यही आ जाएगा। मिट्टी का बना, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी उसकी करता है, तो ये निश्चय का कथन हुआ। और व्यवहार हाँ ठीक है, मतलब भिन्न कर्ता कर्म का निषेध करता है निश्चय ने। क्योंकि इसमें षटकारक जो शब्द आया तो वो है कि मिट्टी अपने ही हाँ षटकारकों से स्वरूप हुई है, घड़े जी रूप हुई है, तो इसलिए उस निश्चय, ठीक है। निश्चय और व्यवहार के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वह विषयगत है, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं
उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय होता है। अतः वे निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के विरोधी से प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः वे हैं एक दूसरे के पूरक। हाँ देखिए, अभी बहुत मतलब अच्छी यहाँ पे बात ले जा रही है कि विरोधी से लग रहे हैं पर विरोधी है नहीं। अब ये ऐसे हैं जैसे भाई लग तो ऐसा रहा है कि जैसे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, पर दोनों अपोजिट होने पर भी, दोनों विरोधी दिखने पर भी एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि आप नॉर्थ पोल को भी अगर आप साउथ पोल का विरोधी मानोगे तो नॉर्थ पोल क्या बिना साउथ पोल के कहला सकता है? वो उससे जुड़ा हुआ ही तो है। जैसे हम कभी कभी किसी व्यक्तियों के लिए बोल देते हैं कि दो बच्चे हैं या दो फ्रेंड्स हैं, दो मित्र हैं, रहते भी साथ हैं और लड़ते भी हैं, दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे को काटते भी है, एक दूसरे को विरोध भी करते हैं। ऐसे ही व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय का लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं पर फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहां मतलब ऐसा है कि जो व्यवहार ने कहता है निश्चय ने एकदम आता है उसको उसका खंडन कर देता है, जो निश्चय ने कहता है व्यवहार ने उसका खंडन कर देता है। दोनों एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं पर दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि व्यवहार ने के बिना निश्चय नहीं बताया जाएगा, व्यवहार ने के बिना निश्चय का कोई समझना समझाना संभव ही नहीं है। इसलिए एक दूसरे के पूरक भी है और मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, व्यवहार के साथ साथ ऐसा निश्चय का देखा जाता है, तो इसीलिए दोनों विरोधी दिखने पर भी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, बढ़िया। परस्पर विरोधी दोनों नयों का कथन आवश्यक क्यों? दो नयों के बिना वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं। उनमें से एक धर्म का व्यवहार है और दूसरे धर्म का कथन निश्चय नय करता है। यदि दोनों ने एक ही पक्ष का कथन करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन और प्रतिपादन के लिए दोनों नये आवश्यक हैं। इसी दृष्टि से दोनों नये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या परस्पर विरोधी दोनों नयों का ग्रहण संभव है? हाँ, परस्पर विरोधी दोनों नयों का ग्रहण संभव है, पर इनके ग्रहण करने का तरीका जुदा है। जैसे जहाँ जिनवाणी में निश्चय का मुख्यता से कथन है, वहां उसे सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन है, वहां उसे ऐसे है नहीं निमित्त आदि की उपेक्षा उपचार किया है। निमित्त आदि की अपेक्षा शब्द होना चाहिए ना भैया? निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ये उपेक्षा लिखता है। इस प्रकार थोड़ा सा जानने म्यूट। यस पेज नंबर 17 पे 5th लाइन। हाँ मतलब ये जो ये कहा है उपेक्षा नहीं है, अपेक्षा ही है। अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना, इस प्रकार जानने का नाम भी दोनों नयों का ग्रहण है। क्या दोनों नये समान रूप से उपादेय हैं? नहीं, दोनों नये समान रूप से उपादेय नहीं है। व्यवहार को निश्चय के समान उपादेय न मान लिया जाए, इससे सावधान करने के लिए ही व्यवहार ने को अभूतार्थ सत्यार्थ कहा है। व्यवहार ने अपने प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ होने से सभी को निचली दशा में कार्यकारी है, वस्तु का निश्चय करने में उपयोगी है। अतः कथंचित सत्यार्थ है, उपादेय है, पर प्रयोजन सिद्धि के पश्चात इसकी उपयोगिता नहीं रहती। अतः कथंचित असत्यार्थ भी है और हे भी है। व्यवहार ने को असत्यार्थ कहने से कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले। इस दृष्टि से व्यवहार को भी कथंचित सत्यार्थ भी कहा है। निश्चय ने उपादेय है, क्योंकि अनुभूति की प्रक्रिया में निश्चय ने प्रधान होता है। उसके विषयभूत आत्मा के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे भूतार्थ और सत्यार्थ कहा। संक्षेप में कहें तो जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो वह अभूतार्थ है। अभूतार्थ होने के कारण ही व्यवहार ने निषेध है। व्यवहार ने के निषेध के बाद निश्चय ने का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्म आराधना के समय नहीं।
अनुभव के काल में तो नए संबंधी सभी विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक नए विकल्प चलता रहता है, तब तक आत्मा परोक्ष ही रहता है। वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पाता, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीत होती है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, चूंकि निश्चय नए के तो मात्र पक्ष या विकल्प को छोड़ना है, उसके विषयभूत अर्थ को तो ग्रहण करना है, और व्यवहार नए का मात्र पक्ष ही नहीं, विषयभूत अर्थ भी छोड़ने योग्य है। अतः दोनों नए समान रूप से उपादेय नहीं है। आगे आगे चलना भैया, व्यवहार नए के भेद हाँ, भेद आगे। नहीं, विभिन्न नाम वाला मैम सभी दोनों नए समान रूप से उपादेय हैं, ये वाला हो गया, और व्यवहार में के भेद प्रभेद आ गए, तो चलना अच्छा, है। इसमें पीडीएफ में आया है विभिन्न नाम वाला, एक पीडीएफ में होगा ये, आपके इसमें नहीं है। कोई हाँ बात नहीं, यहाँ तक हमने देखा है, ठीक है। हम अगला अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोनों नए समान रूप से उपादेय नहीं है, बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है, बिल्कुल एक एक शब्द सरल करके यहाँ पर लिख दिया है कि किस भूमिका तक व्यवहार उपादेय है, फिर किस भूमिका के बाद व्यवहार भी हेय हो जाता है, और किस भूमिका के बाद वो निश्चय ने के पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमें बराबर समझना चाहिए। थोड़ा इसकी हम और डिटेल में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको समझकर फिर हम व्यवहार ने के भेद प्रभेद पर चलते हैं। अभी अपना ये जो यहाँ का क्लास हम यहीं पे पूरी कर रहे हैं, तो जो आज हमने दोनों का परस्पर में कनेक्शन देखा है, निश्चय और व्यवहार ने का आपस में संबंध देखा है, दोनों का क्या संबंध है, दोनों का क्या स्वरूप है, कार्य क्या है, इसमें से अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो आप अपने जीवन में, अपने मतलब डेली रूटीन में इसका प्रयोग देखना है, आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ ऐसे प्रयोग होते हैं, कौन कौन से हम ऐसे कथनों में पहले उसको बताते हैं फिर उसका निषेध करते हैं, या कौन सी ऐसी क्रियाओं में ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने नहाने के लिए साबुन के प्रयोग में बताया, ऐसे आप और भी देखोगे कि पहले प्रतिपादन पहले किया जाएगा फिर उसका निषेध किया जाएगा, ऐसा कहाँ कहाँ है, तो आप ये सोच के आइएगा। और अब आगे का विषय हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इसके बाद जो अपना मतलब एक वो कहा था आपको, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 है, उसमें आप अपना करना शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको तत्वार सूत्र 9वां और 10वां अध्याय इतना ही मात्र करना है। प्रश्न ये हो रहा था लोगों को कि भाई हमें वो भी करना है क्या, सेल्फ स्टडी वाला, समाधि मरण वाली, वो ना करके आप उसमें से तत्वार सूत्र 9वां और 10वां अध्याय कर सकते हैं, और उसमें क्या आपकी मान्यता मिटी है, उसको पढ़ के क्या भूल दूर हुई है, वो हम उसमें लिख सकते हैं, और उसको ओपन भी कर देंगे तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं, बाकी कोई डाउट हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। भैया मुझे एक चीज पूछनी है, लेकिन वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। सिर्फ इतना कि जैसे अपनी आचार्य परंपरा आचार्य भद्रबाहु से शुरू मानते हैं, जो वो डिफरेंशिएशन हुआ था, इधर आचार्य स्थूली भद्र, इधर आचार्य भद्रबाहु, तो वो जो भद्रबाहु के बाद जो परंपरा है उसकी कहीं लिस्ट मिल जाएगी उस लिनिएज की मुझे? उसके बाद आचार्य परंपरा की लिस्ट हाँ मिल सकती है, मैं वो देख के आपको भेज दूंगा। आप मुझे सोर्स बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। ऐसा मतलब आप बता दीजिए कि कौन से ग्रंथ में कहाँ मिल, आप बाद में मैसेज डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं सोर्स के लिए भी आपको बता दूंगा। तो सोर्स बता दीजिए, उसके बाद आई कैन। थैंक ठीक है, यू। जय जिनेंद्र, अभी की सभी को जय जिनेंद्र। जय जी ने जय जी ने जय जिनेंद्र।